आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आवाम को ये जानकर बड़ी खुशी होगी जब इन्हें ये पता चलेगा कि एमएलए का इलेक्शन करीब आ गया। अब इस बात की पुष्टि कैसे हो, तो पता ये चला कि शहर में हो रहे विकास का काम। कभी कई साल पहले मंजूर रोड का उद्घाटन हो रहा है, तो कहीं स्कूल के रिनोवेशन का और उसकी सजावट पर लाखों खर्च, और कहीं बेमायने में लगाए गए बस स्टॉप। क्योंकि भिवंडी में सालों पहले ही जगह जगह पर यूं ही बस स्टॉप लगाए गए थे। बताया ये गया था कि अब भिवंडी में सिटी बस चलाई जाएगी, मगर इन बस स्टॉप पर अब सिर्फ कुत्ते ही बैठे हुए नजर आते हैं। बहरहाल एक स्कूल 6222 जो तारीखी मुअम्मा बन गया है। करोड़ों की लागत से खड़ी की गई इस स्कूल की इमारत का इफ्तिताह होने को ही था कि इस पर सरकारी फरमान जारी हो गया और इस पर रोक लगा दी गई। इस मामले में एमएलए रईस शेख ने खूब हमदर्दी लूटी और ये पब्लिसिटी स्टैंड कामयाबी की दहलीज को छू लिया, और वहां महज चौगले क्यों पीछे हटते, वो भी मुसलमानों के दिल को जीतते नजर आए। कहीं दीवान शाह दरगाह का गेट लगवाया, तो कहीं दीवान शाह से लेकर ढांगे अस्पताल तक सीसी रोड बनवाने के लिए शुरुआत कर दी। वो रोड जिसकी मंजूरी बरसों पहले हो चुकी थी, मगर मामला इलेक्शन तक ताजा रहे, इसलिए ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, दोनों ही जगहों पर विकास का काम जोरों पर शुरू हो गया। बस चंद ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद सारे नए सरकारी काम पर रोक लग जाएगी। इससे कब्ल वक्त रहते ही दोनों ने ही अपने अपने कामों को शुरुआत कर दी है। अवाम डैश 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 बनी हुई सारी चीजें देख रही है। अब और एक स्कूल और एक वर्जिश क्लब का इफ्तिताह होने जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि समाजवादी में फिर से झगड़ा ना हो, फिर से कोई लफड़ा ना हो, और ये इफ्तिताह पर भी कोई रोक ना लगे, बहुत ही आसानी के साथ ये इफ्तिताह हो जाए। मगर हम नेताओं को बताना ये जरूर चाहेंगे कि नेता को आप चाहे जितना डैश 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 बना लो, मगर अवाम वक्त आने पर ही चौका छक्का कैच बोल ये सब कर या तो मैच जीत जाती है या मैच को हरा देती है। तो इंतजार रहेगा उस इलेक्शन का जिसमें आवाम एक नया काम करके दिखाने वाली है।